और CSIR नेट जून 2022 के लिए फॉर्म्स आ गए हैं, देखते हैं वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाएंगे, वहां पर जो है CSIR नेट NTA सर्च कीजिए, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी csirnet.nta.nic.in। उसके बाद ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CSIR नेट जून 2022, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है सबसे पहले। इसमें यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, उसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। अब हमारा ये सारी डिटेल्स हो चुकी हैं, आगे पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे हम। सबमिट करने के बाद वो आपका आधार नंबर मांगे, अगर आपके पास आधार नंबर है आप यस कीजिए, ओके पर क्लिक। वो आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ से अपना जो आधार है उसको लिंक करना चाह रहे हैं इसका, तो आप उसको वॉलेंटरीली एग्री कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका वो आधार नंबर मांगेगा, आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो आपका दिया होगा, और उसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डिटेल्स आपकी आएंगी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, आप कहाँ कहाँ जो है एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका, आप किस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका मीडियम क्या रहेगा, आपका हिंदी इंग्लिश जो भी, आप अपनी सिटीज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके फादर या गार्जियन की ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और ये आपके पास उसमें अपने एडमिशन एम फिल PhD आप कुछ कर रहे हैं क्या, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आप अपने फिल कर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और उसके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, इनमें हम जो अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे डेटा को। उसके बाद हमारे पास आएगा कुछ एडिशनल डिटेल का ऑप्शन, उसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको हम फिल कर देंगे। आप ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट हैं कि नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन आपकी, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये सब डिटेल्स फिल करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम साइज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप अपने फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है फोटो और साइन अपलोड कर देंगे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। फिर से सेम चीज़ कैप्चर डालेंगे और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यस करेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे सारी चीज़ें डिटेल्स जो जो हैं सब पर आप क्लिक कर देंगे सही, अगर सारी डिटेल्स सही हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कर देंगे, यस क्लिक कर। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ 1000 रुपीज, उस पर क्लिक करेंगे। वो अगेन ऑनलाइन पेमेंट का मेथड आएगा जहाँ से आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, और बाद में उसकी डिटेल्स यहाँ पर आने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना, बाय बाय, टाटा।